नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ और आज मैं मौजूद हूं मीरानपुर कटरा में, जो जिला शाहजहांपुर है। मीरानपुर कटरा में एक ऐसा परिवार है जहां एक ऐसी घटना घटित हुई है जो आप जानेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे कि आज के समय में ऐसी घटना हो भी सकती है। ये घटना इतनी अविश्वसनीय है जिस पर विश्वास करना लगभग असंभव बात है। एक ही परिवार के तीन लोग 16 तारीख के दिन यहाँ से इस घर से गायब हुए हैं। दवा लेने गए थे लेकिन उनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। परिवार के सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं। लल्लन खान का नाम है। प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम ये है जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश और समस्त भारत की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं। तीन लोग 16 तारीख के दिन यहाँ से इस घर से गायब हुए हैं। दवा लेने गए थे लेकिन उनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। परिवार के सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं। लल्लन खान इनका नाम है, इस घर के मुखिया हैं। इनकी पत्नी, इनकी बेटी और बेटी का बेटा जो लगभग 4 साल का है, इस घर से निकले थे, जो अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं। तो चलिए मैं इनसे जानता हूँ, लल्लन खान जी से, कि आखिर क्या घटना हुई थी और ऐसा क्या हुआ था जो ये बात बनी है। तो सर, आप ये बताइए कि ये घटना कब की है? 16 तारीख बुधवार। क्या था? हुआ कुछ नहीं था। ये दवा लेने निकली थी घर से, कह के कि दवा लेने जा रहे हैं हम, और फिर घर को वापस नहीं आई। दवा लेने निकली थी। आपने उस डॉक्टर के यहाँ जाके देखा कि वहाँ पहुँची या नहीं पहुँची? जी सर, वहाँ पे नहीं पहुँची। जब हमने क्लोज करा वहाँ पहुँची नहीं थी। तो इतने दिन हो गए इस घटना को, 16 तारीख की घटना है, क्या आपने पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई? जी, हमने यहाँ दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज कराई, तहरीर उसी दिन दे दी थी। तहरीर में क्या लिख के दिया था? तहरीर में पुलिस को क्या बताया था? पुलिस को यही बताया था कि हमारे घर से दवा लेने निकली हमारी वाइफ, वो घर पर वापस नहीं आई। तहरीर में यही लिखा हुआ है। आपकी वाइफ भी थी, आपकी बेटी भी थी और उनका एक बेटा। आपकी बेटी की शादी कहाँ से हुई है? जी, बेटा बुजुर्ग से हुई है। बेटा बुजुर्ग तो वो आपके घर पे आई हुई थी आपकी बेटी? वो हमारी बेटी यहीं पे रह रही थी कम 7 महीने से, और वो हमारे दामाद से कुछ ऐसा चल रहा था, मतलब हमने अपने घर पे ही रखा था, उसका केस भी चल रहा है। जी। खैर, वो केस चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन घटना ये है कि घर से गायब होना ये बहुत बड़ी बात है। आपका क्या नाम है? सलमान खान। जो गायब हुई हैं वो कौन है आपकी? हमारी मदर, सिस्टर और हमारा भांजा। आपका भांजा। तो आपने, जब आपको पता लगा तो आपने कहीं ढूंढने का प्रयास किया? शाहजहांपुर से बरेली तक ढूंढने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। चारों तरफ घुमा लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं मिला। और भी जगह आपने रिश्तेदारी वगैरह में पता किया है? ऑल द कन्फर्म, सब जगह कन्फर्म कर लिया है। सब जगह कन्फर्म किया। क्या घर में कोई ऐसा विवाद हुआ था जिससे आपको लग रहा हो कि इस कारणवश वो घर छोड़ के चली गई हो, या ऐसा कुछ? जी नहीं, कभी कोई होता ही नहीं था ना हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप जो गायब हुई उनकी आप कौन हैं? मम्मी। आप उनकी माँ हैं। तो क्या कभी आपको ऐसा कुछ बताया उन्होंने जिससे आपको लगा हो कि लड़ाई झगड़ा हुआ है इसलिए हम कहीं चले जाएंगे? नहीं, कुछ नहीं बताया, कभी भी कुछ नहीं बताया। और दवाई लेने गई थी हमें, तो जब पता चला कि शाम को उन्होंने बताया जाके हमारे नाती ने, क्या अम्मी आई ना? नहीं। हमने क्या, नहीं मम्मी नहीं आई, क्या कहाँ गई? तो क्या दवा लेने गई थी तिलर, और अभी तक नहीं आई, हम कहाँ इधर आ गई, हमने बेटा हमारा यहाँ नहीं आई। तो बच्चे सब रोने लगे, जब उधर भी देख आए और इधर भी नहीं मिली, तो हमें मालूम हुआ कि चली गई, हमें पता भी नहीं किसी को था। जिस घर से जो गई हैं वो आपकी कौन है? जेठानी हैं। मैं कहूँ गई हैं या मैं ये कहूँ किडनैप हुई हैं, क्या कह सकते हैं इस बारे में? अब इसके बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं। फिलहाल हमारे घर से तो दवा लेने के लिए गई थी। क्या किसी पे शक आपको ऐसा कि किडनैप भी हो सकती हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आज के समाज में किडनैप होना एक बहुत मुश्किल बात है। एक मॉडर्न ज़माना है, मोबाइलों का दौर है, सीसीटीवी कैमरों का दौर है, जहाँ से किसी को भी किडनैप कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस समय जो है वो बहुत मॉडर्न हो चुका है। डिजिटल इंडिया का जो सपना है उस ओर इंडिया जा रहा है। आप ये बताइए, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है आपको? जी अभी कोई रिएक्शन नहीं लिया, अभी आश्वासन जी दिया है हमें, कोई क्लू बताइए आप, हमें कहाँ ढूँढें कहाँ नहीं ढूँढें आप बताएँ, ये कहा है।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी परिवार के जो भी लोग हैं उनसे बात हो रही है और इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, श्रीनिवास कैमरामैन राठौर आपको दिखाएंगे और फोटो भी जो लोग गायब हुए हैं उनके फ़ोटो भी आपको वीडियो में देखे जा सकते हैं। और इस न्यूज़ के माध्यम से मैं गुजारिश करूँगा कि जिन लोगों को अगर ये घटना संज्ञान में आए तो किसी भी प्रकार इस पीड़ित परिवार की सहायता की जाए और पुलिस से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि अपने वीडियो के माध्यम से कि इस वीडियो के माध्यम से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और वो लोगों को ढूंढा जाए और जल्द से जल्द वो मिलें। इसी प्रकार बने रही हमारे चैनल के साथ, मैं हूँ आपका दोस्त आसिफ, मेरे साथ श्रीनिवास राठौर। इंडिया 24 न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय भीम।